ईमानदारी का दम भरने वाली और आरोप दर आरोप लगाने की राजनीति कर अपनी जगह बनाने वाली आम आदमी पार्टी ने आज अपने नेता और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाने वाले अपनी ही पार्टी के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा को आम आदमी पार्टी से निलंबित कर दिया। इससे पहले कपिल मिश्रा ने आज फिर अपने आरोप दोहराते हुए कहा, मेरी आंखों के सामने सत्येंद्र जैन ने केजरीवाल को 2 करोड़ रुपए दिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि केजरीवाल के साढ़ू के लिए सत्येंद्र जैन ने 50 करोड़ रुपए का जमीन का सौदा करवाया। हालांकि जैन ने ऐसे किसी भी सौदे से इनकार किया है। अब तक भ्रष्टाचार के आरोप लगने के 33 घंटे बाद भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुप हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने पैसे लिए, मेरी आंखों के सामने लिए और अपने घर के अंदर लिए। उसके अलावा जो डिटेल जांच को प्रभावित कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित कर सकते हैं, वो सारे डिटेल सील बंद लिफाफे में कल सुबह 11:30 बजे सीबीआई के दफ्तर में जाकर देके आऊंगा। शिकायत ऑफिशियल FIR दर्ज कराऊंगा और गवाह बन के पूरे मामले में खड़ा रहूंगा। 2 करोड़ के फेर में फंसे केजरीवाल पर कपिल का वार जारी है। अपने आरोप को दोहराते हुए केजरीवाल के पूर्व जल मंत्री कपिल मिश्रा ने आज ये दावा किया कि वो सबूतों के साथ कल सीबीआई के पास जाएंगे। कपिल मिश्रा ने यह आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी आंखों से केजरीवाल को स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से 2 करोड़ रुपए लेते देखा। कपिल मिश्रा अगर मुख्यमंत्री के घर पे गए थे तो कोई चोरी छुपे काम तो किया नहीं था उन्होंने। तो भैया कम से कम ये तो बता दो, सुबह गए थे, शाम को गए थे, दोपहर में गए थे, रात में गए थे, टाइम क्या है, वो टाइम तो बता दो। कपिल मिश्रा के मुताबिक सत्येंद्र जैन ने केजरीवाल के एक रिश्तेदार के लिए जमीन की डील कराई थी। किस रिश्तेदार की जमीन की डील हो रही थी वो बताने के लिए तैयार नहीं है। जमीन की डील के लिए 50 करोड़ रुपए, छतरपुर में 7 एकड़ के फार्म हाउस की डील और PWD डिपार्टमेंट के 10 करोड़ रुपए के फर्जी बिलों को सही साबित करने का काम सत्येंद्र जैन जी ने किया। अरविंद केजरीवाल जी के एक रिश्तेदार, उनके ब्रदर इन लॉ, उनके रिश्ते में साड़ू लगते हैं, बंसल परिवार की संस्थाएं हैं, उनके लिए किया। किसी भी डील के अंदर मेरा कोई लेना देना नहीं, कोई डील नहीं हुई है, सिर्फ कपिल मिश्रा जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। अरविंद केजरीवाल पर अब तक का सबसे बड़ा बम फोड़ने वाले कपिल मिश्रा अब सारे राज खोलने पर उतर आए हैं। आज उन्होंने पंजाब को लेकर संजय सिंह को भी लपेटे में ले लिया। पंजाब में किस प्रकार से टिकटों के लिए पैसों का लेन देन किया गया, फार्म हाउस में दारू, पैसे और लड़की के धंधे किए गए। अमेरिका से कुछ लोगों के फोन आए हैं कि संजय सिंह जी के रिश्तेदार टिकटों के लिए अमेरिका में पैसों की डील करते थे। महिलाओं का अपमान करना, महिलाओं के लेके नाम पे आरोप लगा रहे हो आप, पंजाब की बेटियों का आप अपमान कर रहे हो। यही काम देवेंद्र सरावत ने किया था, यही काम ये कर रहा। आम आदमी पार्टी की तरफ से कभी मनीष सिसोदिया तो कभी संजय सिंह और आशुतोष कपिल मिश्रा के आरोपों का जवाब देने के लिए सामने आ रहे हैं, लेकिन केजरीवाल ने चुप्पी साध रखी है। बात बात पर दूसरों का इस्तीफा मांगने वाले केजरीवाल ने इस मामले में एक भी ट्वीट नहीं किया। जो आरोप ही अपने आप में बहुत हास्यास्पद है, बेबुनियाद है, उन आरोपों का कैसे कोई आदमी आके जबरदस्ती जवाब दे। मुझे पता है अरविंद केजरीवाल अब कुर्सी नहीं छोड़ सकते, कुर्सी उनकी कमजोरी बन चुकी है, चिपके रहना चाहते हैं कुर्सी से। मैं ये कहता हूँ आज आप कुर्सी मत छोड़ो, लेकिन पूरे देश को एक सवाल का जवाब दो, जिस दिन सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे उस दिन कुर्सी छोड़ोगे या उस दिन भी कुर्सी से चिपक के बैठे रहोगे। आम आदमी पार्टी कपिल मिश्रा पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगा रही है। कपिल मिश्रा जब मंत्री थे उस समय उनकी भाषा और थी, कपिल मिश्रा जब मंत्री पद से हटाए गए उस समय उनकी भाषा बीजेपी की भाषा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा, बीजेपी के किसी नेता से मेरा कोई संपर्क नहीं है, और संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल जी के साथ जितने लोग बैठे हैं उनसे चुनौती देता हूं, एक भी सबूत भाजपा और मेरे बीच में रिश्तों का लेकर आएं। कपिल मिश्रा ने ये आरोप भी लगाया है कि केजरीवाल के करीबी उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। दिल्ली से जावेद मंसूरी के साथ अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल हैं, टेलीविजन को खूब समझते हैं, प्राइम टाइम है,
प्राइम टाइम है इस समय, तो 33 घंटे बाद उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है और वो कह रहे हैं कि सत्य जीतेगा। विधानसभा सत्र में बात होगी। कपिल मिश्र ने 2 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया था, चुप्पी तोड़ दी है उन्होंने। विधानसभा सत्र से होगी शुरुआत, सत्य के जीतने की बात कर रहे हैं, उन पर सीधा आरोप लगा है, अपनी ही पार्टी के मंत्री ने आरोप लगाया है। 33 घंटे लगे उनको ये कहने में, ये बताने में। इससे पहले आज आम आदमी पार्टी में दिन भर आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। साफ दिखाई दिया कि दोनों पक्ष टेलीविजन को खूब समझते हैं। जब आम आदमी पार्टी ने कहा कि कपिल मिश्रा केजरीवाल के रिश्तेदार का नाम बताएं, तो उन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल के साढ़ू के लिए सत्यन जैन ने डील कराई, जिस पर पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि कपिल मिश्रा एक ऐसे व्यक्ति का नाम ले रहे हैं जिनकी चिता अभी भी ठंडी नहीं हुई है। अरविंद केजरीवाल आज सुबह अपने रिश्तेदार के निधन पर दिल्ली के पीतमपुरा पहुंचे। उस वक्त तक किसी को ये पता नहीं था कि शाम तक कपिल मिश्रा उस रिश्तेदार का नाम भी घसीट लेंगे। छतरपुर में 7 एकड़ के फार्म हाउस की डील और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के 10 करोड़ रुपए के फर्जी बिलों को सही साबित करने का काम सत्येंद्र जैन जी ने किया। अरविंद केजरीवाल जी के एक रिश्तेदार, उनके ब्रदर इन लॉ, उनके रिश्ते में साड़ू लगते हैं, बंसल परिवार की संस्थाएं हैं, उनके लिए किया। जमीन की डील के मामले में कपिल मिश्रा के इस आरोप पर केजरीवाल के जिस रिश्तेदार का जिक्र किया, उनका नाम सुरेश कुमार बंसल है, आज ही उनका निधन हुआ था। उनको घिनानी चाहिए, जिस आदमी की आज डेथ हुई है उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सुरेश बंसल केजरीवाल की पत्नी की सबसे बड़ी बहन के पति थे। वो पहले MCD में सिविल कंस्ट्रक्शन का काम करते थे। 2015 में केजरीवाल सरकार बनने के बाद PWD में रजिस्ट्रेशन करवाया और काम करने लगे, लेकिन जमीन की डील के मामले में उनका नाम लेने पर केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने ट्वीट किया कि मेरे जीजा का निधन हो गया है, ये बेवकूफ आदमी बिना दिमाग के लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। इंसानियत बुरी तरह मर गई है। जिस व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसकी आज सुबह चिता दफनाई गई, जिसको चिता में आग लगाई गई, जिसकी आज सुबह, उस व्यक्ति की चिता में आग लगने के 2 घंटे के बाद कपिल मिश्रा उनके बारे में अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं, उनके बारे में उल जलूल बोल रहे हैं। हालांकि अभी ये सामने आना बाकी है कि कपिल मिश्रा ने ये आरोप किस आधार पर लगाया है। शाम होते होते कपिल मिश्रा ने एक बयान पढ़ा और केजरीवाल पर 2 करोड़ रुपए लेने और पंजाब चुनाव में धांधली के आरोप के अलावा टैंकर घोटाले पर भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आज इसे लेकर वो ACB यानी एंटी करप्शन ब्यूरो से भी मिले। 2 दिन पहले तक केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे कपिल मिश्रा अब केजरीवाल का ही पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने की तैयारी कर चुके हैं। आज दोपहर वो पीले रंग के इस लिफाफे के साथ दिल्ली ACB के दफ्तर पहुंचे और टैंकर घोटाले से जुड़ी बड़ी जानकारियां देने का दावा किया। मैंने टैंकर घोटाले की यहाँ पे जांच चल रही है, उसी संबंध में शिकायत दी है, बताया है कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके 2 साथियों ने रिपोर्ट में डिले कराया, किस प्रकार से शीला दीक्षित को बचाने की कोशिश की और किस प्रकार से सरकारी पैसे का करोड़ों का नुकसान कराया है। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल के जिन 2 नजदीकी लोगों पर आरोप लगाया है उनमें आशीष तलवार केजरीवाल के राजनीतिक सलाहकार हैं, जबकि वैभव केजरीवाल के निजी सचिव हैं। ACB सूत्रों के मुताबिक टैंकर घोटाले से रिलेटेड 800 पेज की जो रिपोर्ट ACB के पास मौजूद है उसमें इन दोनों के नाम नहीं हैं, लेकिन ACB का कहना है कि कपिल मिश्रा इस विभाग के मंत्री रह चुके हैं, लिहाजा उनके बयानों को नकारा नहीं जा सकता। कपिल मिश्रा द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों और उनके बयानों के आकलन के बाद ACB इस मामले में केजरीवाल के इन दोनों करीबियों को पूछताछ के लिए बुला सकती है और इस मामले की जांच की आँच इसके बाद केजरीवाल तक भी पहुंच सकती है। उन्होंने डिटेल में स्टेटमेंट देने के लिए टाइम मांगा है और जल्दी ही उनको टाइम दिया जाएगा, उनसे बातचीत चल रही है और जैसे ही डिटेल में स्टेटमेंट होंगे और जो डॉक्यूमेंट्स होंगे या कोई भी एविडेंस होगा, एविडेंस के हिसाब से आगे कार्रवाई की। टैंकर घोटाला उस वक्त का है जब शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री हुआ करती थी। 2012 में दिल्ली की कॉलोनियों में पानी पहुंचाने के लिए शीला सरकार ने 385 पानी के टैंकर किराए पर लेने का फैसला किया था। आरोप है कि 385 टैंकर के लिए तय 180 करोड़ रुपए के बजाय शीला सरकार ने 600 करोड़ रुपए का भुगतान किया। यही नहीं,
टैंकर में जीपीएस लगाने के लिए भी 15 करोड़ की जगह 60 करोड़ खर्च हुए, यानी दिल्ली जल बोर्ड को करीब 400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। केजरीवाल ने टैंकर घोटाले को शीला दीक्षित के खिलाफ बड़ा हथियार बनाया। कपिल मिश्रा जब उनकी सरकार में जल मंत्री बने तो उन्होंने शीला दीक्षित समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर की सिफारिश करते हुए केजरीवाल को चिट्ठी लिखी। बीजेपी पहले से यह आरोप लगाती रही है कि केजरीवाल ने जानबूझकर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब कपिल मिश्रा के सामने आने के बाद बीजेपी एक बार फिर इस आरोप को दोहरा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी केजरीवाल को क्लीन चिट देने वाली कपिल मिश्रा की एक पुरानी चिट्ठी का हवाला दे रही है। ये वो लिख के कह रहे हैं कि एसीबी भारी दबाव में है, एसीबी अरविंद केजरीवाल को फंसाना चाहती है, एसीबी अरविंद केजरीवाल का नाम बार बार उनसे उगलवाना चाहती है, उनका नाम डलवाना चाहती है, जबकि कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि उस पूरी रिपोर्ट में अरविंद केजरीवाल के नाम का कोई जिक्र नहीं है। हमने कहा कि वाटर टैंकर स्कैम में पानी टैंकर घोटाले में केजरीवाल जी शामिल है और जिस दाम पर शीला दीक्षित ने पानी के टैंकर खरीदे, पानी सप्लाई ली, उन्हीं को आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ फैक्ट फाइंडिंग उन्हीं की बिठाई हुई जांच कह रही है कि ये एक्सॉर्बिटेंट है, इसमें भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार में इसका मतलब है दोनों ने मिलकर के इस भ्रष्टाचार को कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये सफाई भी पेश की जा रही है कि अगर कपिल मिश्रा को ये शिकायत थी तो वो इतने वक्त से चुप क्यों थे और क्या वजह है कि मंत्री पद से हटाए जाने के बाद ही वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली से जावेद मंसूरी और अंकित गुप्ता के साथ रत्ना शुक्ला आनंद की रिपोर्ट। कपिल मिश्रा ने कहा है कि वो अब कल 11:30 बजे सीबीआई के दफ्तर जाएंगे, वहां वो 3 एफआईआर दायर करेंगे आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ। इस खबर पर लगातार हमारी नजर रहेगी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।